प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम हुआ, उसमें कोरोना को लेकर ही पूरी उनकी बातचीत केंद्रित रही। लोगों से अपील प्रधानमंत्री की तरफ से की गई कि भाई वैक्सीन को लेकर किसी भी तरीके की अफवाह से बचें। मन की बात में आज पीएम मोदी ने सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार की कोविड टास्क फोर्स के सदस्य हैं डॉक्टर शशांक जोशी, उनसे बात की। और इस वक्त डॉक्टर जोशी खुद आपके चैनल एबीपी न्यूज़ पर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर जोशी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज़ में। सबसे पहले मुझे लगता है कि आप दर्शकों को ये बताइए कि कोरोना को लेकर लोगों के बीच वो जो एक डर है, वो जो एक पैनिक है, घबराहट है, उसे दूर किया जाना कितना ज़रूरी है और कैसे उसे आम लोग दूर कर सकते हैं। सर नमस्कार, धन्यवाद मुझे को बुलाने के लिए। तो हमें आपने जैसे बताया कि जो डर है वो निकालना चाहिए, कि को अधिकांश जो लोग हैं जिनको कोविड की महामारी होती है 80% लोग तो उनको लक्षण भी नहीं होते और वो ठीक हो जाते हैं। ये जो 20% लोग हैं जिनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है ये दूसरे चरण में, तो उसको हमको वैद्यकीय डॉक्टर के सलाह के साथ 2-3 हफ्ते निकालने हैं। और उसके लिए आपके डॉक्टर के साथ कंटिन्यूसली कनेक्शन रखना जरूरी है, आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन मॉनिटर करना जरूरी है, आपका बुखार कितना है वो देखना जरूरी है, और डॉक्टर ही सलाह के अनुसार जो भी आपको डायरेक्शन मिलेगी वही आप कर सकते हैं। माइल्ड या हल्की तीव्रता का बीमारी होगी आपको कोविड की, तो वो घर पे ही मैनेज कर सकते हैं। अधिकांश लोग तो घर पे ही मैनेज कर पा रहे हैं, और बुखार होगा तो पैरासीटामोल की दवाई देते हैं, सैचुरेशन मापते रहते हैं। लेकिन कोई कोई लोगों को कभी कभी इससे भी थोड़ी तीव्रता, यानी जिसको हम मॉडरेट कोविड बोलते हैं, या अति तीव्रता जिसको हम सीवियर कोविड बोलते हैं, वह भी हो सकता है। तो उनको लिए फिर कभी कभी अस्पताल में जाना पड़ता है। ऑक्सीजन सेचुरेशन गिरता है यदि 6 मिनट चलने के बाद 3% से या 93 यानी 93% के नीचे आ जाता है, तो कभी कभी फिर हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत लगती है, हमारे चेस्ट पे सोना पड़ता है, हमको स्टीरॉयड की इनहेलर इंजेक्शन या टैबलेट की ज़रूरत पड़ती है, ब्लड थिनर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हिपेरिन का इंजेक्शन है उसके साथ कभी कभी हम अवेलेबल होगा तो रेमडेसिविर दवाई की भी इस्तेमाल करते हैं रिकवरी के लिए, इससे मृत्युदर नहीं कम होता है। तो इसलिए हमको पॉजिटिवली सकारात्मक रह के ये महामारी को निकालना है। अधिकांश लोग तो पूरे रिकवर हो गए, 98% लोग तो पूरे रिकवर हो गए, तो डरने की बात नहीं है। लेकिन क्या हो गया, ये जो हवा आई है, जो दूसरी वेव आई है, बहुत तेजी से आई है और इसमें ट्रांसमिशन बहुत फास्ट हुआ है, लेकिन रिकवरी भी उतनी फास्ट हो रही है, मृत्यु दर कम है, लेकिन इतनी ज़्यादा पैमाने और रफ्तार से ये वेव आएगी, इसके वजह से पूरी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा स्ट्रेन में आ गया है, और इसके लिए लोग थोड़े भयभीत हो गए हैं। तो भयभीत होकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, हमको हमारी जो स्वास्थ्य है उसको खुद देखभाल करना है और डॉक्टरों के साथ कंटिन्यूसली संपर्क रखना है, क्योंकि डॉक्टर आपको दवाई भी देंगे, मॉनिटरिंग भी करेंगे, और वही उसके साथ साथ ही आपको ये बीमारी से बाहर भी निकालेंगे। ठीक है, और पूरा डॉक्टर शशांक जोशी, थोड़ा सा और अगर आप विस्तार से ये बता पाएं कि ये जो पूरा कोरोना का वायरस है, ये जिस तरीके से इन्फेक्ट कर रहा है अगर किसी पेशेंट को, तो फिर उसका वो लाइफ स्पैन कितना है, किस तरीके से वो लक्षण नजर आने लगते हैं, इसके बारे में जरा और विस्तार से बता दीजिए, और कब खतरे की घंटी आप समझे कि ये बज रही है और अब आपको अस्पताल जाना चाहिए, ये भी। बहुत अच्छे सवाल पूछे आपने कि कोरोना की एक छोटी सी आरएनए वायरस है और ये फ्लू जैसे बीमारी आती है तो बुखार आता है, सूखी खांसी आती है, हमको बहुत दम लगता है कभी कभी, उसके साथ हमारे जो गंध है या स्वाद है वो निकल जाते हैं, तो ये उसके लक्षण है। कभी कभी डायरिया भी हो जाता है, तो ये कोरोना के लक्षण है। और ये वेव में हम देख रहे हैं कि युवा पुरुषों में और बच्चों में भी कोरोना हो रहा है, लेकिन हमको मैंने जैसे बताया कि खांसी कम नहीं हुई, बुखार तेजी से रहता ही रहता है 4-5 दिन, और ऑक्सीजन सेचुरेशन मॉनिटर करना बहुत जरूरी है जो हम पल्स ऑक्सीमीटर द्वारा मेजर करते हैं। तो विश्राम के टाइम यदि ऑक्सीजन सेचुरेशन की वैल्यू 93% या प्रतिशत के नीचे होगी, या हम 6 मिनट वॉक करने के बाद वो 3% ड्रॉप होगी या 93% के नीचे चली जाएगी, तो ये रेड फ्लैग माना जाता है। कभी कभी डॉक्टरी सलाहों से हम 5वें दिन CT स्कैन करते हैं, कभी कभी खून की जाँच भी की जाती है, लेकिन उसके लिए डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, कि डॉक्टर के साथ उसके मार्गदर्शन में आपको जो भी है चीज़ करनी बहुत जरूरी हो जाती है। तो ये जो लाल सिग्नल आपने जो बताया कि जो है वो फिर तुरंत अस्पताल में जाके ऑक्सीजन लेना, उसके साथ दवाई लेना और ठीक होना, ये जरूरी होता है।
तो आपको संपर्क में रहना चाहिए आपके डॉक्टर के साथ, आपके वैद्य के सलाहकार के साथ। और ये महामारी के टाइम आने जाने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि जैसे 100 साल पूरे पहले जब स्पेनिश फ्लू हुआ था, तब हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, न्यूज़ चैनल या मीडिया भी नहीं था जिनको सही, जैसे आप अभी हमारे थ्रू लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दे रही है कि बिना पैनिक हुए अपने डॉक्टर से बातचीत करके अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन मापना, अपना बुखार मापना, बुखार ज़्यादा होगा तो पैरासीटामॉल की दवाई इस्तेमाल करना, कभी कभी डॉक्टर घर में इनहेल स्टीरॉयड भी देते हैं खांसी कम नहीं होती है तो ये छोटी छोटी जो सिंपल सिंपल इलाज है ये इलाज चालू रखना और वैद्यकीय निगरानी में मार्गदर्शन में इलाज कंटिन्यूसली लेना। और एक 14 से 21 दिन का टाइम टेबल है कोरोना का। और अक्सर ऐसे होता है कि लोग क्या करते हैं कि पहले हफ्ते में ठीक ठाक रहते हैं और उनको पता ही नहीं चलता है कि उनका सैचुरेशन कम हो जाता है, इसको हम हैप्पी हाइपोक्सिया बोलते हैं, यानी सडनली उनका सैचुरेशन कम हो जाता है, उनको पता ही नहीं चलता है। इसलिए ऑक्सीजन का मापने का जो मशीन है जिसको हम ऑक्सीमीटर कहते हैं, वो रहना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारियां दर्शकों के साथ साझा करने की। तो डॉक्टर शशांक जोशी को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात में आज पीएम ने सबसे पहले इन्हीं से बात की और कुल मिलाकर डॉक्टर्स की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ठीक है कोरोना का खतरा बड़ा है, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि रिकवरी रेट भी इस बार ये जो नया रंग रूप बदल कर आया कोरोना के वायरस का, उतना ही तेज है जितना तेज इसका संक्रमण। भारत में रिकवरी रेट बेहतर है। आप सिर्फ अपना, अपनों का ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बनाकर रखिए, हारेगा कोरोना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।